एक बार होने दो, आपको जरूर बताऊंगा। बहुत सारे फायदे, बंदा सुबह सुबह जड़े मर्जी साइड तो बैठ दे उतर जाता, भावे सज्जे पासो भावे खब्बे पासो। तो कहते हैं ना, बस कुआरे हैं तो कुआरे हैं, मजे होते हैं बस ये। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। वालेकुम, क्या पढ़ते हैं? बीजेडीयू में। कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिफ्थ सेमेस्टर। इधर ही पढ़ते हो बीजेडीयू में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े फखर से बता रहे हो। अरे आप लोग ये बताओ, आप में से किसकी शादी हुई है, किसकी नहीं हुई? भी एक ही। सारे कुंवारे हैं, सारे हमारे जैसे हैं, कोई एक कोई भी नहीं है, कोई किसी की गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड हो भाई जान किसी की ना पूछे तो कोई दो चार एक दो बहुत ही, बस सारी छोड़ गई, सारी छोड़ गई। तो आपसे सवाल ये है कि शादी के क्या फ़ायदे हैं? शादी के बहुत सारे फ़ायदे हैं माशाल्लाह, अगर हो जाए तो। आपसे ये सवाल है कि शादी के क्या फ़ायदे हैं? एक बार होने दो, आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, फिर भी थोड़े बहुत बताएं तो सही, कोई ज़रूरी ज़रूरी फ़ायदे? किसी और से रब्ता करना पड़ेगा, फिर जब उधर से पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। शादी के फायदे, या शादी के बहुत फायदे हैं। शादी हो गई है? नहीं, शादी हुई नहीं, लेकिन पता है? फायदे मुझे बहुत पता हैं। अच्छा, फिर बताएं। मतलब जैसे कि हम हॉस्टलाइज हैं, सुबह सुबह उठते हैं, ये कपड़े शपड़े खुद प्रेस करते हैं, धोने भी पड़ जाते हैं, धोने भी पड़ते हैं, सारे काम खाना भी खुद लेके आना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। आपका लहजा थोड़ा सा पंजाबी आ रहा है। पंजाबी या पंजाबी, शादी दे बहुत सारे फायदे, बंदा सुबह सुबह जड़े मर्जी साइड तो बैठ दे उतर जाता, भावे सज्जे पासो भावे खब्बे पासो। और मतलब अपने सारे काम तुसी खुद कर सकते हो। अच्छा। शादी तो बाद ताड़ी हेल्प मिल जाती, तानू ताड़े कपड़े प्रेस मिलते हैं, तानू जुत्ती साफ मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता, खाना गर्म मिलता। असं सिंगल लोग है यार, सारे काम खुद करने पैंदे, रजाई दी भी लोड़ नहीं होंदी, रजाई दी भी लोड़ नहीं पैंदी। नुकसान ही बता दे, अबू ने मना किया। अबू ने क्यों मना किया? शादीशुदा आदमी है, उनका एक्सपीरियंस है शादी, इसलिए। आपको क्या लगता है किस वजह से मना किया होगा उन्होंने? उनके साथ बहुत मजे कर रहे होंगे इसीलिए। मजे कर रहे होंगे तो मजे कर रहे होंगे, आपको बताया बताना चाहिए ना, अंदर की कहानी कोई और होगी ना। ये भी सही है। अच्छा, वैसे कोई आपके मुताबिक कोई नुकसान आपने कभी अपनी आंखों से देखा हो गाड़ी? यार आज सच कोई मतलब काफी सारे हो जाए तो हो जाए। ये कि बंदा एक तो ये भूंडी शुंडी नहीं है, इससे जान छूट जाती है, जान छूट जाती है। हाँ। अच्छा, क्या फायदे हैं शादी के? शादी के बहुत से फायदे हैं। कौन कौन से? एक तो अच्छी बीवी मिल जाती है, अच्छी लड़की भी मिल जाती है, क्योंकि अच्छा। यहाँ तो कोई नहीं मिलता, बीवी मिल जाए तो बेहतर है। हाँ, यहाँ पे वैसे कोई नहीं मिलता, सारे कुंवारे हैं, जिससे मिले सारे कुंवारे हैं। अच्छा, शादी को भी नुकसान वगैरह? शादी का नुकसान तो बहुत है, फिर आप देख लें उड़ते बर्तन। शादी का नुकसान मैं बताता हूँ कि ना, अगर शादी हो जाए तो बंदे की ना टेंशन मतलब ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बच्चों का प्रेशर भी, फिर ऊपर से उनके अखराजा। अच्छा, बच्चों के कौन से प्रेशर है? बच्चों का प्रेशर मतलब यार ये सूसु वगैरह नहीं। अच्छा, बच्चों के प्रेशर में ये आ जाता है कि उनके कपड़े वगैरह, अच्छा, उनके स्कूल के एक्सपेंसेस, ये सब कुछ। हाँ, ये तो जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो अदा करनी होती है, यही वाले प्रेशर बता रहा हूँ मैं। और आप दूसरी साइड पे ना जाए, सबसे ज्यादा उनके डायपर लेने पड़ते हैं। हाँ, डायपर वाला काम है, डायपर का, डायपर का दो तो खराब होते ही, दो क्यों ज्यादा ही? नहीं भाई, एक ही लगा दो तो वो चल जाता है। फॉरएवर सिंगल? हाँ जी, मतलब कि अब सारे यहाँ पे सिंगल होंगे। दाढ़ी शाड़ी आ गई? हाँ, दाढ़ी है। चले ठीक है तो सिंगल ही। हाँ जी, सिंगल। ये भी सही है। चला, अच्छा ये बताएं कि आप में से शादी के फवायद किस किस को आते हैं, पहले बताएं, कौन बताएगा? बाकी सबसे मुझे आपसे स्टार्ट करते हैं, आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, बताएं शादी के फवायद। मुझे तो कोई ऐसा मिला नहीं है मैं जिससे कोई सब शादी का फवायद क्या हो। फिर भी देखम था की कोई फैमिली थोड़ी सी, बस अभी तक कोई नहीं आया, कहीं से ढूंढेंगे कि फवायद क्या हो। कहते हैं ना, बस कुआरे हैं तो कुआरे हैं, मजे होते हैं बस ये। अच्छा जी, कुआरे हैं तो जी छुआरे हैं, ठीक है। अच्छा, भाई भी बीच में अभी हमारे कमेंट्स दे रहे थे, भाई से भी पूछ रहे थे जी, शादी के फवायद। बहुत से फवायद हैं, जैसे कि गलत कामों से बंदा बच जाता है। अच्छा, लौंडे बाजियों से बच जाता है। अच्छा, आगे आगे आगे। और भी बहुत से फवायद हैं, और भी जैसे कि कोई एक दो बता दें, एक तो बता ही दिया। चलो जी, भाई की शादी नहीं हुई जी, भाई ने अभी शादी करनी है। अच्छा, मुइन भाई, मुइन भाई बड़े चुप बैठे हैं, मुइन भाई अच्छे नहीं लग रहे चुप बैठे हुए, मुइन भाई बोले ना, बताए ना फवायद शायद, कुछ नुकसान बता दें, कुछ तो बता दें, कोई नुकसान बता दें फिर। नुकसान बहुत सारे, जैसे कि क्या बताऊं, नुकसान तो बड़े हैं। नुकसान बड़े हैं, कितने?
जैसा कि जब शादी हो जाएगी हम इस तरह महफिल में नहीं बैठ सकेंगे। हाँ, पीछे से बेगम के फोन फोन आएगा, दही लेते हो? हाँ, दही लेते हैं ना, वो 10 रुपए के चने भी साथ लेते हैं। अच्छा, नाश्ता करना है मैंने। अच्छा, तो वो फिर कहेगी मैंने आज बर्गर खाना है। अच्छा, तो कोई वो शहर वाली हथे चढ़ गई तो फिर काम हो जाएगा। नहीं, आप भी तो कहेंगे आज मैंने बेगम चिकन खाने, मेरे लिए चिकन बना के रखो। फिर वो भी तो कहेगी ना बाहर से लेके आओ ना, यहाँ कोई फ्रिज में तो नहीं पड़ा चिकन। चले ये भी ठीक है, ये तो घाटे वाली बात है, मतलब घाटे वाली है, खर्चे शर्चे बढ़ जाएंगे। हाँ, खर्चे बढ़ जाएंगे, इधर तो बस थोड़े में गुजारा हो जाता है। शादियाँ करनी कितनी है? हाँ, अभी तो एक नहीं हो रही, ख्वाहिश कितनी गिर रखे ख्वाहिश चार जायज है ना, है ना? हाँ जी, हाँ जी। कुछ बोले? टेंशन ही खत्म हो गई, बात हो गई बस जी। भाई ने शादी को टेंशन पे एंड किया। भाई ने कहा है शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं। भाई हमारे 5 शादियों के उम्मीदवार बैठे हैं। कोई सिंगल लड़की देख रही हो तो भाई से रब्ता कर सकती है। भाई अपना नंबर भी बता सकते हैं चाहे तो। ठीक है, बिजी हो लगे में बैठे हैं। भाई एग्रीकल्चर के हैं? जी सर। एग्रीकल्चर के हैं भाई, सेमेस्टर भी बता देना। फिफ्थ सेमेस्टर है। कोई कन्फेशन सस्पेंशन हो बता देना सब लोग, ठीक है? तो आप सब लोगों को यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोगों ने बात की, और आपसे मिलते रहेंगे यकीनन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।